नमस्कार विद्यार्थियों, आज का अगला टॉपिक लेते हैं मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं। भूगोल को दो बड़ी शाखाओं में विभाजित कर रखा है, एक है भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल चार शाखाओं में विभाजित कर रखा है। ठीक उसी प्रकार मानव भूगोल को की भूगोल को भी बहुत अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर रखा है। भौतिक भूगोल की शाखाएँ निश्चित है कम है, जबकि मानव भूगोल की शाखाएँ अधिक हैं। मानव भूगोल को आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, बस्ती भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग, परिवहन, जनसंख्या, अधिवास, ग्रामीण अधिवास, बहुत सारी अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर रखा है। ये इतनी ज़्यादा शाखाओं में विभाजित करने के पीछे औचित्य क्या है? क्योंकि मानव भूगोल है वो मानव निर्मित तथ्यों का अध्ययन करता है, और जितनी भी मानव भूगोल की शाखा हैं वो मानवीय तथ्यों पर आधारित हैं। भूगोल के जो उप विभाग है वो एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न नहीं है। मानव भूगोल के वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में अंतर संबंधित है, परस्पर संबद्ध है। उदाहरण के लिए सड़क, रेल मार्ग, परिवहन आदि संचार साधनों का अगर अध्ययन बस्तियों या नगरीय भूगोल के अंदर करते हैं तो इन्हीं का जो अन्य शाखा आर्थिक भूगोल के अंदर भी किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन आर्थिक भूगोल के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक भूगोल में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल के जो विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं उनका अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक वातावरण और मानव के क्रियाकलापों के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये मानव भूगोल की बेसिक परिभाषा है कि भौतिक वातावरण और मानव के क्रियाकलापों के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। ब्लास के अनुसार भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव मानव जाति और मानव समाज पर प्रगाढ़ रूप से पड़ता है, इसी को मानव भूगोल कहते हैं। कहने का मतलब है मानव जिस क्षेत्र विशेष में निवास करता है वहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों का उस पर प्रभाव जरूर पड़ता है। इसी तरह से मानव भूगोल को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया जाता है। उसमें पहली शाखा आती है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक जियोग्राफी। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसमें मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो भी आर्थिक क्रियाकलाप करता है उसको आर्थिक भूगोल में शामिल किया जाता है। जैसे आर्थिक क्रियाकलाप में प्राथमिक क्रियाकलाप, लकड़ी काटना, मत्स्य, पशुपालन, आखेट, कृषि, खनन, ये जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है ये सारे के सारे आर्थिक क्रियाकलापों पर स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, परिवहन के साधन आदि का प्रभाव पड़ता है, और इन क्रियाकलापों का विश्लेषणात्मक एवं क्रमबद्ध अध्ययन ही आर्थिक भूगोल करता है। अब इस आर्थिक भूगोल को चार शाखाओं में विभाजित किया है कि आर्थिक क्रियाकलाप है अगर वो कृषि से संबंधित है तो वो कृषि भूगोल हो गया। कृषि भूगोल का अध्ययन है, उसमें कृषि उपजों का उत्पत्ति किस तरह से होती है, उत्पादन, वितरण और उस पर कृषि फसलों है तो किस प्रकार की स्थला करती, कौन कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है, फसलों के बोने और काटने के समय क्या क्या है, इन सारे तथ्यों का अध्ययन है वो कृषि भूगोल में किया जाता है। इसी तरह से आर्थिक भूगोल का अगली शाखा है औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल से मतलब है मानव कौन द्वितीयक क्रियाकलाप, मानव के जो द्वितीयक प्रकार के क्रियाकलाप है, अर्थात उद्योगों की स्थापना, कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती है, इसके अलावा उद्योगों से संबंधित समस्याएं हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन और उनके बाद उनका व्यापार आदि तथ्यों का है वो औद्योगिक भूगोल में वर्णन किया जाता है। इसी तरह से अगली मानव भूगोल की शाखा आती है परिवहन भूगोल। आर्थिक क्रियाकलाप में परिवहन भी शामिल है। इस भूगोल में परिवहन के साधनों का, विकासों का उल्लेख किया जाता है। परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, जैसे रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जलयान, वायु परिवहन आदि का कृषि पदार्थों, कच्ची धातुओं, औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से अगली शाखा आर्थिक भूगोल की आती है चौथी, कॉमर्शियल जियोग्राफी, अर्थात ये कहें कि वाणिज्यिक भूगोल। इस भूगोल
की शाखा के अंतर्गत विभिन्न देशों के साथ कौन कौन सा व्यापार होता है, परिवहन के साधन कौन से हैं, व्यापार केंद्रों का विकास और उसकी उन्नति के कारणों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की दूसरी शाखा थी आर्थिक भूगोल, जो पहली शाखा थी उसमें चार थी, चार शाखाएं आर्थिक भूगोल थी, उसके बाद उसमें कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल में कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल और वाणिज्यिक भूगोल, ये चार इसकी शाखाएं। उसके बाद दूसरी आती है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या में पृथ्वी तल पर जनसंख्या का वितरण क्या है, उसका घनत्व, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, आवास, परिवार जनसंख्या, विभिन्न समस्याओं का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया, जनसंख्या भूगोल में किया जाता है, जो मानव भूगोल की एक शाखा है। अगली शाखा आती अधिवासी भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी या बस्ती भूगोल भी जिसे कह सकते हैं। मानव के अधिवासों का इसमें उल्लेख किया जाता है। मानव के अधिवासों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। अगर ग्रामीण क्षेत्रों के अधिवासों की उत्पत्ति, विकास, अर्थव्यवस्था और उसके भूमि उपयोग का वर्णन किया जाता है तो ग्रामीण आदिवासी भूगोल कहलाएगा, और नगरीय क्षेत्रों का अगर उनकी उत्पत्ति, विकास, उनके नगरों का पदानुक्रम, नगरों का वर्गीकरण, नगर व्यवस्था, नगर कार्यात्मक क्षेत्र, नगरों का स्थानिक विश्लेषण आदि तथ्यों का अगर नगरों से अध्ययन किया जाता है तो वो नगरीय आदिवासी भूगोल कहलाता है। अगली शाखा आती है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल वर्तमान में मानव भूगोल की एक बहुत प्रमुख शाखा है, जिसमें विभिन्न तथ्यों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसमें विश्व के राष्ट्रों की प्रकृति, राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सीमा विवाद, सीमांत क्षेत्र, राष्ट्रों के साधन, राष्ट्रों के उपनिवेश, संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियाँ क्या है, विभिन्न संधियाँ क्या है और व्यापार आदि का भौगोलिक पृष्ठभूमि का अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। अगला आता है सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल विश्व के राष्ट्रों की सीमाएं, उनके विवाद कौन कौन से हैं, राष्ट्रों के बीच में युद्ध संधियां, सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं, उनकी स्थिति क्या है और आपसे टकराव संबंधी घटना चक्रों का अध्ययन है वो सैन्य भूगोल के अंदर किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल आज जो भूगोल है वो कल समय के अंतर से इतिहास बन जाता है और इन सब ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार है, वो भूगोल करता है। तो प्राचीन देशों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी विकास, अर्थव्यवस्था और विनाश संबंधी परिवर्तन के जो विभिन्न तथ्य थे, उन सारे तथ्यों का अध्ययन है वो ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल में क्षेत्र विशेष की वहाँ पर घटित घटनाओं का उस भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है, भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से मानव भूगोल की अगली शाखा आती है सामाजिक भूगोल। पृथ्वी पर मानव एक समुदाय या सामाजिक वर्ग बनाकर निवास करता है, विभिन्न सामाजिक क्रियाकलाप करता है, समाज में निवास करता है, अपना सामाजिक रीति रिवाज निभाता है, सामाजिक क्रियाकलाप करता है, सामाजिक जो कार्य है उनको निभाता है, उनको समाज है वो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके और कार्य करता है, इन सारे तथ्यों का अध्ययन है वो सामाजिक भूगोल में किया जाता है। अगला आता है प्रजातीय भूगोल। रेचेल जियोग्राफी, पृथ्वी पर मानव जातियों का विकास किस तरह से हुआ, उनकी प्रकृति क्या है और उनके कौन कौन से गुण हैं, उनके कौन कौन से रूप हैं, इनकी व्याख्या प्रजातीय भूगोल में किया जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक मानव के शारीरिक संगठन में, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार में क्या अंतर आया है, उन सारे तथ्यों का अध्ययन है वो प्रजाति भूगोल में किया जाता है। इसी तरह से अगला आता है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में विभिन्न प्रदेशों का सीमा निर्धारण किस तरह से किया जाता है, अर्थात सीमांकन किस तरह से किया जाता है, उनका वर्गीकरण क्या है, उनके कार्य, उनका पदानुक्रम, आर्थिक सामाजिक उत्थान की योजनाएं और इन जो प्रदेशों हैं वो उनके निर्धारण में कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है, इन सारे तथ्यों का प्रादेशिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। अगला आता है व्यवहार या आचरण भूगोल। ये भूगोल की एक अपने आप में नवीन शाखा है, जो 1960 में इस शाखा का विकास हुआ, जो इनका जो उत्पत्ति है वो स्थानिक विश्लेषण से हुई। आचरण भूगोल से मतलब ये हुआ यहाँ पर कि मानव भौतिक परिवेश में किस प्रकार व्यवहार करता हुआ, किस प्रकार समायोजन करता हुआ भौतिक तथ्यों का